अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में साबका म्यूनसिपल कमिश्नर कोलंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस में मसरूर मेमन के घर कार्रवाई की कि जिसमें सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद कर लिए गए। रकम इतनी ज़्यादा थी कि गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको कराची से अहम खबर दे रहे हैं। कराची में साबका म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस में मसरूर मेमन के घर कार्रवाई की कि जिसमें सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद कर लिए गए हैं और रकम इतनी ज़्यादा थी कि गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी पर मजीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कराची से हमारे रिपोर्टर जुल्फकार अली। जी जुल्फकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची में साबक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस के सिलसिले में मसरूर मेमन के घर कार्रवाई की जिसमें सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर्स, दरहम और रियाल बरामद कर लिए। रकम इतनी ज़्यादा थी कि गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। नैब के मुताबिक कार्रवाई में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी मिली हैं, जिसके बाद साबक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को दो साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब हकाम का कहना है कि करप्शन कोरंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए आल खरीदारी और देगर अमूर में की गई रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे और रकम जाली अकाउंट्स में डाली गई, जबकि बैरून मुल्क भी रकम मुंतकल हुई। कराची की एहतसाब अदालत ने मुलजमान को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया है, जिसके बाद नैब की टीम मुलजमान को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।